प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपसे थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पाठ्यपुस्तक में से लिए गए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। जैसा कि हमने आपको बतलाया था, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत किसी भी लाइन के समीकरण को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक जनरल फॉर्म कहलाती है और एक सिमेट्रिकल फॉर्म कहलाती है। जनरल फॉर्म के अंतर्गत हम दो प्लेनों की इक्वेशन लिखते हैं, ये दोनों प्लेन एक दूसरे को जिस लाइन पर काटते हैं उस लाइन का समीकरण होता है, ये दोनों प्लेनों का एक साथ समीकरण। और इसी समीकरण को हम सिमेट्रिकल फॉर्म में भी बदल सकते हैं, आपको हमने भी बतलाया था। सिमेट्रिकल फॉर्म में रेखा के समीकरण को ज्ञात करने के लिए या तो हमारे लिए रेखा पर स्थित कोई दो बिंदु ज्ञात होना चाहिए या रेखा पर स्थित एक बिंदु और रेखा के डायरेक्शन कोसाइन्स ज्ञात होना चाहिए या रेखा पर स्थित एक बिंदु और डायरेक्शंस रेशियो रेखा के मालूम होना चाहिए। तो आइए अब हम अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं। आज का प्रश्न है, पुट इन द सिमेट्रिकल फॉर्म द इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन इन जनरल फॉर्म 3x - y + z + 1 = 0, 5x + y + 3z = 0। हिंदी में हमारा प्रश्न बनता है, उस रेखा की सिमेट्रिकल फॉर्म ज्ञात करो जिसकी जनरल फॉर्म 3x - y + z + 1 = 0, 5x + y + 3z = 0 दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले तो इस रेखा पर स्थित एक पॉइंट xz, yz और z' ज्ञात करेंगे और फिर उसके बाद हम रेखा के डायरेक्शंस रेशो ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद रेखा के समीकरण को ज्ञात कर लेंगे। तो रेखा के पॉइंट ज्ञात करने के लिए हमने देखिए लिखा हुआ, सबसे पहले हम प्रश्न को हल कर रहे हैं, गिवन लाइन इन जनरल फॉर्म, ये आपको दिया हुआ है 3x - y + z + 1 = 0, 5x + y + 3z = 0। ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो मिला के आपकी रेखा की जनरल फॉर्म दी गई है, इसकी हमें सिमेट्रिकल फॉर्म बनानी है। इस सिमेट्रिकल फॉर्म बनाने के लिए हमने माना रेखा पर स्थित कोई बिंदु xz, yz - 1 = 0 तथा z' का मान हमने 0 मान लिया। आप z' का मान 0 मान सकते हैं, x' का मान 0 मान सकते हैं, yz का मान 0 मान सकते हैं, या आप इसमें से किसी एक का मान 0 के अतिरिक्त कुछ और भी मान सकते हैं, लेकिन 0 मानने में सुविधा होती है, गणना कुछ थोड़ी सरल पड़ जाती है, कैलकुलेशन सरल पड़ जाती है। इसके अलावा पुस्तकों में प्रायः z' को ही 0 माना जाता है, इसलिए हमने z' को ही 0 माना है। ठीक, अब ये जो लाइन है वो इन दोनों प्लेनों पर स्थित है, इसका अर्थ ये हुआ कि लाइन पर जितने भी बिंदु हैं वो इस समीकरण को और इस समीकरण को दोनों को संतुष्ट करेंगे। और चूंकि ये पॉइंट जो है हमारा, जो पॉइंट बन गया हमारा x' y' और 0 z' का मान 0 रखने के बाद हमारा पॉइंट ये बन जाता है, ये रेखा पर स्थित है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये वाला पॉइंट जो है इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। तो इस समीकरण में हमने z के स्थान पर 0 लगा दिया और इसमें भी z के स्थान पर 0 लगा दिया और x और y के स्थान पर x' y' लगा दिया। तो हमारे लिए समीकरण प्राप्त हो गया 3x - y - 1 = 0 और 5x - y = 0। इस समीकरण नंबर 3 और 4 को जब सॉल्व करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ के हल करेंगे, तो इसका x' का मान आ जाएगा -1/8 और y' का मान आ जाएगा 5/8। इस प्रकार से रेखा पर स्थित हमारे लिए पॉइंट मालूम हो गया x' y' z' = -1/8, 5/8, 0। इस प्रकार से रेखा पर स्थित पॉइंट मालूम हो गया हमारे लिए, हम रेखा के डायरेक्शंस रेशोज मालूम करेंगे। तो हमने लिखा, माना रेखा के डायरेक्शंस रेशोज a, b, c हैं। तो जब रेखा के डायरेक्शंस a, b, c हैं और हम जानते हैं दो रेखाएं यदि परपेंडिकुलर होती हैं तो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0 होता है। अब ये वाली रेखा जो है,
इस प्लेन पर भी स्थित है और इस प्लेन पर भी स्थित है, और ये जो आपके प्लेन के समीकरण में एक्स वाई और जेड के कोफिशेंट जो होते हैं वो उस रेखा पर नॉर्मल के कोफिशेंट नॉर्मल की डायरेक्शन रेशोज होती हैं। अतः इस नियम के हिसाब से इस समीकरण की सहायता से समीकरण नंबर एक और दो की सहायता से हमारे लिए समीकरण प्राप्त हो जाएंगे 3a-b + c = 0, 5a + b + 3c = 0। इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे और हल करने के बाद जब हम ए बी और सी के मान ज्ञात कर लेंगे तब इसका मतलब ये हुआ कि हमें उस रेखा के डायरेक्शन रेशोज प्राप्त हो गई। इन समीकरणों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, ए और बी के मान सी के पदों में निकाल लें, बी और सी के मान ए के पदों में निकाल लें, ए और सी के मान बी के पदों में निकाल लें। एक तो कायदा ये है, लेकिन ये कायदा जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है, कठिन पड़ता है, इसलिए दूसरा कायदा ये है कि हम इन दोनों समीकरणों में बज्रगुणन का नियम लगा देते हैं और बज्रगुणन के नियम लगाने के बाद हम ए बी और सी में अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो हम समीकरण नंबर 5 और 6 में बज्रगुणन का नियम लगा रहे हैं और उसमें लिखेंगे हम ए अपॉन और ए अपॉन लिखेंगे तो ए के नीचे जो है हम पहले इसका कोफिशेंट्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे -1 और 3 का मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा, ये माइनस का सूत्र आ जाएगा और फिर इसका कोफिशेंट और इसका कोफिशेंट का मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 = 1 आ जाएगा = यहाँ पर b लिखा जाएगा अपॉन, जब बी के नीचे कोफिशेंट लिख रहे हैं तो इसका और इसका मल्टीप्लाई लिखा जाएगा 5 × 5, माइनस सूत्र आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई लिखा जाएगा 3×3 ही आ जाएगा = यहाँ पर सी लिखेंगे अपॉन, जब सी के नीचे लिख रहे हैं तो ये और ये मल्टीप्लाई होगा, एक और इस बी का कोफिशेंट का मल्टीप्लाई होगा 3×3, माइनस सूत्र आ जाएगा और इस 5 और -1 का मल्टीप्लाई होगा -5 ही आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ए अपॉन -3 आ जाएंगे, ये ब्रैकेट खुलेगा, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा 1 और बराबर बी आ जाएगा 5 - 9 आ जाएगा और सी अपॉन 3 आ जाएगा और -1 का मल्टीप्लाई होकर 5 ही बन जाएगा। इन्हें और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा ए अपॉन -4, बी अपॉन -4 और सी अपॉन 3 और 5 = 8 हो गए। ये अब इस समीकरण के लिए क्या, इसके लिए हम क्या करेंगे, -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे जरा सिंप्लीफाई करने के लिए, तो हमारा हो जाएगा ए अपॉन 1 = b/1 = c/-2। इस प्रकार से हमारे लिए ये मालूम हो गया कि उस रेखा का इस रेखा का डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशोज ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -2 है, या ये कह दीजिए कि ए बी सी में 1:1:-2 का अनुपात है। जब हमारे लिए रेखा पर स्थित एक पॉइंट मालूम हो गया और रेखा के डायरेक्शंस को रेशोज मालूम हो गए 1, 1, -2, तब हम रेखा का समीकरण जो है वो ज्ञात कर लेंगे और समीकरण ज्ञात करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं यदि आपको रेखा का रेखा पर स्थित एक बिंदु मालूम हो और रेखा के डायरेक्शंस रेशोज मालूम हो तो रेखा का समीकरण जो है ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं x - x' / a y - y' / b = z - z' / z' / c। x - y' / z' के मान हमारे ये दिए हुए हैं, ये हमने मान लगा दिए, x - x' का मान लगा दिया हमने -1/8 और a का मान लगा दिया हमने 1 और ये y लगा दिया हमने सूत्र का और ये माइनस सूत्र का लगा दिया और y' का मान है 5/8 हमने ये लगा दिया और b का मान हमारा 1 है, 1 हमने ये लगा दिया और = का निशान लगा दिया z और z' का मान हमने 0 लगा दिया और c का मान जो है -2 हमने यहाँ पे लगा दिया। और इसको जब हमने और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा बन जाता है x + 1/8/1 = y - 5/8/1 = z - 2। इस प्रकार से हमारे लिए दी गई रेखा का ये सिमेट्रिकल फॉर्म प्राप्त हो गया, रेखा की समीकरण जनरल फॉर्म से सिमेट्रिकल फॉर्म में परिवर्तित हो गई। इसको आप समझ लीजिए।
इसको आप समझ लीजिए, विचार कर लीजिए और इस प्रकार से अपने पाठ पुस्तकों में दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। आप इसी प्रकार की प्रक्रिया से सभी प्रश्न कीजिए, आपके सभी प्रश्न पूरी तौर पर सही जाएंगे, अगर आपको पूरी तौर पर बात समझ में आ गई है तब। और आंसर मिलाइए, अभ्यास कीजिए। आज हम यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।